अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं DHA पोलिंग स्टेशन नंबर 10 कराची में। और यहाँ पर अभी चूँकि दिन का टाइम है, 11:15 का टाइम है, और अभी यंग जनरेशन जो है वो छुट्टी की वजह से नहीं आई है। तकरीबन हमें ये पता चला है कि यहाँ पे अभी 100-125 वॉट कास्ट हो चुके हैं। ये पैक का कैंप है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैक की टीम मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन, कैंडिडेट वाइस चेयरमैन सिंध के शफीकुर्रहमान साहब, इनसे थोड़ा सा मालूम करते हैं। सर ये बताइए सर, कितने तकरीबन वोट कास्ट हो चुके हैं जो मुझे पता चला है? तकरीबन 150-200 वोट कास्ट हो चुके हैं और ये इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप जीतेगा और ये चेंज लाएगा। ये जो जिन्होंने बारियां लगाई हुई हैं और जो पुराने लोग कई दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अभी मुझे उम्मीद है कि हमारे इंजीनियर्स जाग चुके हैं और ये पूरी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और इंशाल्लाह वसीम अजीज साहब जो PEC के चेयरमैन बन के ये इंशाल्लाह ताला अजीज़ ये चेयरमैन अपना इसका ट्रू स्प्रिट में जो है ना इसकी रेगुलेशन करेंगे इंजीनियरिंग। तो सर अभी यहाँ पे आपका ख्याल है कि अभी वोटिंग का टर्नआउट बढ़ेगा वक्त के साथ साथ? ये अभी लोग सो रहे हैं, डिफेंस के लिफ्ट के लोग देर से उठते हैं, तो ये अभी टर्न और बढ़ेगा इंशाल्लाह, ये 25-30% तक जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, मेहरबानी, शुक्रिया। बाकी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त ज़्यादातर जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और कोशिश करते हैं कि हम किसी से बात करें। ये पूरा डिफेंस का पोलिंग स्टेशन है। बाकी हम थोड़ी देर बाद अगले पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से कुछ अपडेट लेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ीद हालात से आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।